आप देख रहे हैं पुलिस वाला वैब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जबलपुर में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप माफिया और आपराधिक तत्वों के रसूख को ध्वस्त करने चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जिला प्रशासन द्वारा जबलपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पटपरा में कुख्यात अपराधी रोहित सोनकर, नीरज सोनकर और पवन सोनकर द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को जमींदोज कर दिया गया है। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के निर्देश पर SDM जबलपुर PK सेन गुप्ता के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में ग्राम पटपरा राजस्व निरीक्षक मंडल खमरिया पटवारी हल्का नंबर 87 स्थित खसरा नंबर 100 की 15,000 वर्ग फुट भूमि से सुनकर बंदूकों के अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही इस भूमि के करीब 1800 वर्ग फुट हिस्से पर बनाए गए पक्के मकान को भी JCB मशीनों से ध्वस्त कर दिया गया। SDM जबलपुर PK सेन गुप्ता के अनुसार अपराधियों के कब्जे से मुक्त कराई गई इस शासकीय भूमि का बाजार मूल्य करीब 4 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि सुनकर बंधुओं द्वारा मुख्य सड़क से लगी भूमि पर किए गए अतिक्रमण में यहां लगे विद्युत ट्रांसफार्मर को भी अपने कब्जे में ले लिया गया था। कार्यवाही के दौरान इसे भी मुक्त कराया गया है। SDM जबलपुर के मुताबिक निगरानी शुदा बदमाश रोहित सोनकर के विरुद्ध बरेला थाना में 15 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। इनमें NDPS एक्ट, जुआ एक्ट, आर्म्स एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम और आबकारी एक्ट के प्रकरण शामिल है। उन्होंने बताया कि रोहित सोनकर और नीरज सोनकर अभी जेल में है। श्री गुप्ता के अनुसार रोहित सोनकर को क्षेत्र का सबसे बड़ा गांजा सप्लायर माना जाता है। उन्होंने बताया कि सोनकर बंधुओं के अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान राजस्व विभाग के अमले के साथ DSP श्रीमती किलेदार और पुलिस बल भी मौजूद था।